राजस्थान मेडिकल सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव यूनियन अलवर का वार्षिक अधिवेशन एक होटल में हुआ, जिसमें मेडिकल प्रतिनिधियों की समस्याओं पर मंथन किया गया। साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार से शिकायतों को लेकर विचार विमर्श किया गया। अधिवेशन में आईएमए जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाल यादव ने शिरकत की। आज राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अलवर यूनिट का वार्षिक अधिवेशन यहाँ सर्वविलास होटल में कराया गया है, जो हर वर्ष की तरह हम लोग करते हैं। और इसके अंदर हमारी काफ़ी डिमांड्स वगैरह जो होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा डॉक्टर विजय पाल जी हमारे आईएमए के प्रेसिडेंट, उनको हमने इनवाइट किया यहाँ पे। उनकी डॉक्टर्स की कुछ समस्याएं और हमारी कुछ समस्याएं, उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ। और बस बाकी बातें हमारे जनरल सेक्रेटरी स्टेट के नरुका जी आपको बताएं। हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, उनके यहाँ पे वार्षिक अधिवेशन था, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि बुलाया था। इनकी जो समस्याएं थी, एक एक्चुअल में क्या है कि एक मेडिकल फैटर्निटी एक बड़ा ग्रुप है, जिसमें सब लोग मिलके काम करना चाहिए। डॉक्टर्स हों, चाहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हों, चाहे मेडिकल स्टोर्स हों, फार्मेसिस्ट हों, चाहे लैब टेक्नीशियन हों, एक्सरे टेक्नीशियन हों, क्योंकि ये सारे आपस में इंटर लिंक्ड हैं, और यदि आपस में इनका सहयोग बना रहेगा तो मरीज को हम बेहतर सेवाएं दे सकते हैं। मरीज की बेहतर करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, और आज इन्होंने मेरे से वादा किया कि नहीं, वास्तव में हम मिलकर के डॉक्टर्स के साथ में, और मैंने भी मेरी तरफ से मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बताया है कि जो भी आपकी समस्याएं हैं हम हमारे मीटिंग में रखेंगे, 27 तारीख को मीटिंग है, और उनको सॉर्ट आउट करेंगे, जिससे कि समाज का और हमारे मरीज का भला हो सके।